दोस्तों फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। कीवी एक ऐसा फल है जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। दरअसल कीवी दूसरे फलों की तुलना में थोड़ा महंगा होता है। कीवी को सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद भी माना जाता है। कीवी में विटामिन के, सी, ई, फोलेट, पोटेशियम इत्यादि अनगिनत तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। कीवी को पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं कीवी खाने से होने वाले फायदों के बारे में। हेल्थ से जुड़े और वीडियो को देखने के लिए हेल्थ हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। पहला फायदा, डायबिटीज रोगी के लिए होता है लाभकारी। दोस्तों डायबिटीज फल का सेवन डायबिटीज के शिकार लोगों की सेहत को बेहतर रखने में भी सहायक होता है। इस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ऐसे में यह ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में कारगर होता है। इस फल के सेवन से सेरोटोनिन को बढ़ावा देने वाले रसायन भी प्रेरित होते हैं और यह आपको अच्छी नींद पाने में सहायक होते हैं। डायबिटीज के रोगियों को रोजाना एक कीवी फल का जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा फायदा, जैसे कि कीवी में विटामिन सी अधिक होता है, इसके सेवन से कई तरह के लाभ होते हैं। कीवी फल इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए भी लाभकारी होता है। कीवी में पाए जाने वाले तत्व जैसे विटामिन सी, पॉलीफेनॉल्स, फाइबर, ये सभी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं। कीवी खाने से इम्यून सिस्टम के साथ साथ कई तरह के रोगों को दूर रखने में भी सहायक होता है। तीसरा फायदा, आंखों के लिए होता है फायदेमंद। कीवी फल का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंख से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि पर काम करने वाले लोगों के लिए कीवी खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे लोगों के आंख की रोशनी कमजोर होने का खतरा कम करने के लिए कीवी बहुत ही उपयोगी है। कीवी में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा भी पाई जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे किसी और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।